अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दुनिया ऐसी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो आज जो है सातवीं जमात की टेक्स्ट बुक से बनेंगे, इसमें शौरक और अदबा का तारुफ। उसके बाद जो है सेम जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो कि सिक्स क्लास की उर्दू बुक से जो है मैंने पहले शौरक का तारुफ और बताया था, तो इसी वीडियो में भी इस तरह से ही पढ़ेंगे सातवीं जमात की वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं, से पहले कि वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा और एंड स्क्रीन पर भी कार्ड आएंगे, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए इसको। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है। पहले आकर पै कर अखलाक जो के सीरत व अखलाक का है, नज़म से है, माहिरुल खादिर है, इसके लिखने वाले जो भी होगा भला ही होगा। इसको लिखने वाले कौन है, माखुज इंटरनेट से लिया गया है। और इसका मौजू क्या है, उम्मीद अज़म हौसला यकीन का है, नसर से है, वतन की शान जो है अब्बुल वतनी से है। और नज़म से नज़म आकर जहाँ निसार अख्तर है, दानाई आकर दानिशमंदी नसर से है, जो है कौमी इदारा बराए तालीम तहकीक व तरबियत है। इल्म आकर इल्म की अहमियत नज़म से है, पानी बदोई ने लिखाया है। हमारे त्यौहार में हमारे तहजीब जो है सरसरी मुतालिया है, ईद उल फितर संक्रांति ईद उल ज़ुहा क्रिसमस बैसाखी, इस तरह से। पै करे अखलाक को लिखने वाले माहिर कौन है, माहिरुल खादिर है, माहिरुल खादिर हैं। और इसको जो है किस मकसद से लिखा है, सरवर कौनी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मकाम व मर्तबे से तलबा को वाकिफ़ करवाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और आपके अस्वाए हुसना से वाकिफ़ करवाना, इंसानी ताल्लुकात हमदर्दी बाहमी इमदाद और इंसानी इख्तदार से वाकिफ़ करवाना, तलबा को सिनफ़े नात और सलाम से वाकिफ़ करवाना, इस सबक के अहम मकासद हैं। तखल्लुस इनका क्या है, माहिरुल खलमी नाम भी बोलते हैं और तखल्लुस भी है। माहिरुल खादिर जो है इनका तखल्लुस असल नाम जो है मंजूर हुसैन जो है इनका असल नाम। पैदाइश आकर इनकी 1907 ईस्वी केसर कला ज़िला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के केसर कला ज़िला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। केसर कला ज़िला बुलंद शहर उत्तर प्रदेश में वफात इनकी 1970 पर 8 ईस्वी को इनकी वफात हुई। और किताबें इनके ज़िक्र जमील ज़हूर खुदोसी तिलसी में हयात महसूसात माहिर नगमात माहिर नक्शे तौहीद जज्बात माहिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, जो कि किताबें हैं इनके ज़िक्र जमील ज़हूर खुदोसी तिलसी में हयात महसूसात माहिर नगमात माहिर नक्शे तौहीद जज्बात माहिर। आगे बढ़ने का है, मेहनत की कमाई ज़रूरत नहीं, आगे कौन सा शायर, जो भी होगा भला ही होगा का जो शायर है, इसका मकसद आगा सच्चाई और ईमानदारी पर हमेशा कायम रहना, वक्त और हालात के अतबार से ज़िंदगी गुजारना, सब्र करना, दानिशमंदी और ज़हानत से हालात का सामना करना, हाजिर जवाबी से काम लेना वगैरह जैसी सलाहतों को तुलबा में फ़रोग देना। और उसके बाद जो है क्या है, इसमें मानी आखिर में देखेंगे। इसमें आगा जो है कस्तूरबा पोरबंदर में अप्रैल 1859 में पैदा हुए। कब पैदा हुए, कस्तूरबा पोरबंदर में अप्रैल 1859 में पैदा हुए। इसी साल गांधी जी भी पैदा हुए। इनके वालिद गोगुल दास कपाडिया एक कामयाब ताजिर थे। इनकी वालिदा का नाम धीरज कनौरबा कपाडिया था। 5 उसूल थे जिनके इन्हें तालीम दी गई थी।
पांच उसूल थे जिनके इन्हें तालीम दी गई थी। कभी झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, बुरी बात ना करना करो, और दुनिया को हिम्मत ना दो, दुनिया का अहमियत ना दो, दुनिया का रोज़ाना पूजा करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, बुरी बात नहीं करना, दुनिया को अहमियत नहीं देना, रोज़ाना पूजा करो। कस्तूरबा इन उसूलों पर सख्ती अमल करती थी। कस्तूरबा की उम्र 7 साल की थी तो उनकी मंगनी मोहनदास गांधी जी से हो गई। उनकी जो है शादी जो है किससे हो गई, मोहनदास गांधी जी से हो गई थी। 13 साल की उम्र में यानी 1882 में इनकी शादी हो गई। अब वो कस्तूरबा कपाडिया के कस्तूरबा गांधी हो गए, कस्तूरबा कपाडिया से कस्तूरबा गांधी हो गए। तो आगे कौन सा है, ये आगद है। औरंगज़ेब आलमगीर का असल नाम जो है महमुद्दीन मोहम्मद। औरंगज़ेब आलमगीर का असल नाम महमुद्दीन मोहम्मद था। शायर शाहजहाँ और मुमताज़ की औलाद में से थे। शाहजहाँ और मुमताज़ की औलाद में से थे। कौन, औरंगज़ेब आलमगीर के का असल नाम जो है महमुद्दीन मोहम्मद था। शाहजहाँ और मुमताज़ की औलाद में से थे। 3 नवंबर 1618 में पैदा हुए। 3 मार्च 1707 में वफात हुई पाई कब 3 मार्च 1707 में वफात पाई। खिलदाबाद में आखिरी आरामगाह है। खिलदाबाद में आखिरी आरामगाह है। वो मुगलिया सल्तनत के 6वें हुक्मरान थे। कितने 6वें हुक्मरान जो है औरंगज़ेब थे। तो 40-9 साल तक हुकूमत करते रहे। कब तक हुकूमत करी, 40-9 साल तक हुकूमत करी। इस दौर में हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क समझा जाता था। वो बड़े मुत्तकी, परहेज़गार, मुदबिर और आला दर्जे के मुंतखब थे। ज़ाती अखराजात के लिए ख़जाने से एक पैसा भी ना लेते बल्कि कुरान मजीद लिखकर और टोपियां सीकर अपना गुजारा करते थे। होशियार सरदार। और इसके बाद वतन की शान, तीसरा सर वतन की शान है जो कि वतन की शान जाने निसार अख्तर ने लिखा है। तीसरा सबक वतन की शान जाने निसार अख्तर ने लिखा है। जाने निसार अख्तर वतन की शान। इसका मकसद क्या है, बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना। हुब्बुल वतनी मतलब जो है अच्छे से रहना। हिंदुस्तानी तारीखी विरसा से वाकिफ़ करवाना, हिंदुस्तानी तारीखी विरसा से वाकिफ़ करना। बैन मजहबी इंसानी अख्तदार के ताए अहतराम के जज्बे को फ़रोग देना इस सबक के अहम मकासद हैं। बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पर तखल्लुस जो है क्या है, इनका अख्तर जो है हलमी नाम है। अख्तर हलमी नाम, असल नाम जो है सैयद जान निसार हुसैन रजवी। सैयद जान निसार हुसैन रजवी जो असल नाम क्या है, सैयद जान निसार हुसैन रजवी है। पैदाइश 1914 ग्वालियर मध्य प्रदेश। 1914 ग्वालियर मध्य प्रदेश। वफात 1975 मुंबई। वफात जो है 1975 मुंबई में हुई इनकी। और किताबें इनके पिछले पहर तार गिरेबान खामोश आवाज़, खाके वतन सलासल घर आंगन वगैरह जो है इनकी किताबें। पिछले पहर तारे गिरेबान खामोश आवाज़, खाके वतन सलासल घर आंगन वगैरह जो है इनके किताबें हैं। वतन से मोहब्बत, वतन की शान में मोहब्बत है। खाके वतन से हमें मोहब्बत है, अपने चमन से हमें अपनी सोहबत से शामों से प्यार है, हमें अपने
जमहूरिया हिंदुस्तान या भारत, क्या आप जानते हैं जमहूरिया हिंदुस्तान या भारत जनूबी एशिया का अहम मुल्क है, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, 1 अरब 35 करोड़ आबादी वाले मुल्क भारत में 120 से ज़ायद जबानें और 16,000 से ज़ायद बोलियाँ बोली जाती हैं। भारत के मशरक में बांग्लादेश और म्यांमार, शुमाल में भूटान, मशरक में क्या आता है, बांग्लादेश आता है, और म्यांमार में, शुमाल में भूटान, चीन में नेपाल, मगरिब में पाकिस्तान, अफगानिस्तान आकर जनूब में बहर हिंद है। अंडमान निकोबार जजीरे थाईलैंड और इंडोनेशिया के समंदरी हदूद से जुड़े हुए हैं। बीरबल की दानाई, बीरबल की दानाई 14 सबक, बीरबल की दानाई जो है चौथा सबक। दिलचस्प सा नसीहत आमोज कहानियों से बच्चों में ज़ौक़ सलीम पैदा किया जाता है, अखलाक किरदार और अच्छी आदतों फ़रोग पाती हैं। अच्छी अच्छी सबक आमोज कहानियों के ज़रिए बच्चों को बेहतरीन और मौसर एक्तिसाब के लिए तैयार किया जा सकता है। बच्चों की खुसूसियत साज़ी, किरदार साज़ी और ज़ौक़ सलीम पैदा करने के लिए एक दिलचस्प कहानी सबक में पेश की गई है। इस कहानी को पढ़ने, समझने और सबक हासिल करने के बाद तुलबा में दानिशमंदी, हाजिर दिमागी जैसी सलाहियतें फ़रोग पा सकती हैं। ये कहानी NCERT की मरतबा 8वीं जमात की उर्दू 10वीं किताब की एडिशन 2009 से माखूज है। बीरबल की दानाई। दरबार में 9 अहम वज़रा मुकर्रर किए थे जिन्हें नवरत्न भी कहा जाता है, जिन्हें नवरत्न भी है। अबुल फजल वजीर आजम, अबू अफजल खजाना राजा बीरबल आकर वजीर खारजा, अबुल फैज़ फैजी वजीर तालीम राजा मान सिंह सिपे सालार, तानसेन वजीर तहजीब व सकाफत, फ़ाखिर अज़ीज़ दीन वजीर मजहबी उमूर, अब्दुल रहीम खाना वजीर दफा जो है, अब्दुल रहीम कौन है, खाना वजीर दफा, और मुल्ला दो प्याज़ा अबुल हुसैन वजीर दाखला, मुल्ला दो प्याज़ा अबुल हुसैन वजीर दाखला। तमन्ना गज़ल, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। सबक जो है इल्म को जो है किसने लिखा, फ़ानी बदायूनी ने, इल्म जो है फ़ानी बदायूनी। सबक जो है पांचवा सबक है। इसमें क्या है मकसद, इस नज़म में इल्म की अफादियत, अहमियत और ज़रूरत बताई गई है। इस नज़म में इल्म की अफादियत, अहमियत, इल्म की अफादियत, अहमियत और ज़रूरत बताई गई है। दुनिया की तरक्की कैसे मुमकिन है, बच्चों को वाहि करवाना, बच्चों के किरदार और अखलाक में तब्दीली लाना, तहजीबी व सकाफती रुझान फ़रोग देना, ज़िंदगी कामयाब तरीके से किस तरह गुजारी जा सकती है, बच्चों को समझाना ही इस नज़म का अहम मकसद है। तखलुज़ इनके फ़ानी बदायूनी, असल नाम जो है शौकत अली खान है, असल नाम इनका क्या है, फ़ानी तखलुज़ कलमी नाम फ़ानी बदायूनी, असल नाम क्या है शौकत अली खान, और पैदाइश 13 सितंबर 1857 इस्लाम
नगर बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। पैदाइश इनकी 13 सितंबर 1857 इस्लाम नगर बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा। वफात 20/7/1940 वफात 20/7/1940 इनकी। और किताब है कुलियात फ़ानी बाकियात फ़ानी जो है इनके किताबें हैं। कुलियात फ़ानी बाकियात फ़ानी और जो है इसमें नज़म का जो है सबक की तरफ भी मुतवज्जा होंगे। पहले शोरा व अदबा और मकसद क्या है तारुफ देख लेना है हमें, और इनके हयात अंग के बारे में देखना है। हमारे त्यौहार में जो है सबक है छठवां सबक, इसमें क्या है इम्पोर्टेंट। हिंदुस्तान के एक कसीर मजहबी कसीर लसानी मुल्क है। हिंदुस्तान एक कसीर मजहबी और कसीर लसानी मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं बसते हैं। हर मजहब के रस्म व रिवाज रहन सहन तहजीब व तमदन अलग अलग हैं। मुख्तलिफ इलाकों की बोलियाँ मुख्तलिफ होती हैं, मगर एक मुश्तरिका बात यह है कि तमाम मजाहिब वाले मुख्तलिफ ईद त्यौहार मिल जुल कर मनाते हैं। जब मुसलमानों की ईद आती है तो उसमें दीगर हिंदुस्तानी भी शरीक हो जाते हैं और साथ साथ खुशियाँ मनाते हैं। इस तरह जब क्रिसमस या दिवाली आती है तो मुसलमान भी जो है उनके इसमें मिलकर जो है त्यौहार मनाते हैं। मसरतों की ईद ईद उल फितर जैसे ईद उल फितर सीधी और मीठी है ईद है। ईद अब्दुल फितर जैसे ईद सैयद और मीठी ईद भी कहा जाता है। रमज़ान का महीना ख़त्म होने की खुशी में मनाई जाती है। 29 या 30 रमज़ान की शव्वाल मुकर्रम का चांद नज़र आता है। रमज़ान की शाम शव्वाल मुकर्रम का चांद नज़र आता है। शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नमाज के लिए जो है ईदगाह जाने के पहले गरीबों को मोहताजों को फितरे देते हैं, सुरमा लाते हैं, सब मालूम है। तो ईद इस ईद को मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं, इत्र लाते हैं, खुशबू लाते हैं और इसमें आकर जो है घरों में लज्जत पकवाने पकाते हैं एक दूसरे को। ईद उल फितर के दिन गैर मुस्लिम भी मुसलमान दोस्तों और साथियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुसलमान अपने घर में दावत का अहतमाम भी करते हैं। हिंदुओं का एक अहम त्यौहार है। हिंदुओं का एक अहम त्यौहार क्या है संक्रांति। खासकर जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु और केरला में इस त्यौहार को मनाते हैं। लोगों को बड़े अहतमाम के साथ मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरला इलाकों में इस त्यौहार को पोंगल के नाम से भी मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे संक्रांति या मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। दरअसल ये त्यौहार फसल के कटने पर भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए मनाया जाता है। ये त्यौहार माह जनवरी के 13, 14, 15 तारीखों में मनाया जाता है, मगर इसकी तैयारियां एक महीने पहले ही से शुरू हो जाती हैं। मुलाजिमत या तिजारत के सिलसिले में अपने गांव या शहरों से दूर रहते हैं वो इस मौके पर अपने अपने आबाई मकाम में जमा हो जाते हैं। खुसूसन देहात के लोग इसका एहतमाम बड़ी पाबंदी से करते हैं। पहला दिन भोगी का, इस त्यौहार का पहला दिन क्या है भोगी कहलाता है।
इन दिन तमाम दिन लोग अपने अपने घर को दुकान की सफाई करते हैं। ताड़ के पत्ते, लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करते हैं और अपने अपने गांव या मोहल्ले में ला जाते हैं। इस त्यौहार के दिन लोग अपने घरों के आंगन और सुहानों को रंगों से ते हैं। दूसरा दिन यानी जनवरी 14 संक्रांति सूर्य पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस दिन सूरज की पूजा की जाती है। नई फसल से मेहनत व किस्म के पकवाने बनाए जाते हैं। इस त्यौहार का तीसरा दिन मटू पंगल के नाम से मनाया जाता है। इस दिन खेती बाड़ी और ज़िराद में किसानों की मदद करने वाले जानवरों को सजाया और संवारा जाता है। इनकी पूजा की जाती है। बच्चे बड़े मशगूल रहते हैं। पतंगबाजी, बैलों की दौड़ के मुकाबले और दीगर दिलचस्प खेल खेले जाते हैं। इस तरह ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ईसा अल कुर्बानी की ईद। ईद उज़्ज़ुहा मुसलमानों की दूसरी बड़ी ईद मानी जाती है। ये ईद जो है ज़िलहज्जा की दसवीं तारीख को मनाई जाती है। गली कोचों में ईद का माहौल 2-3 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। घर के बुजुर्ग के लिए मेंढे या दुम्बे खरीद लाते हैं। ईद लफ्ज़ अज़हा अरबी जबान से है, जिसके मानी कुर्बानी। इसलिए इस ईद को कुर्बानी की ईद और बकरा ईद भी कहते हैं। इस ईद को कुर्बानी की ईद और बकरा ईद भी कहते हैं। ईद उज़्ज़ुहा दरअसल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुसलसल ख्वाब आते रहे और हुक्म मिलता रहा कि इब्राहिम अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करो बोलकर, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले तो सदक़े करे और फिर ख्वाब में हुक्म हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करो। तो आप अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन कई ऊँट जो है कुर्बान करा। तीसरे दिन भी ऐसा ही ख्वाब आया तो उन्होंने सोचा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का मंशा समझ गए और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म बेटे अलैहिस्सलाम को सुनाया। बेटे ने ख्वाब देखा है, मैं तुमको ज़ुबा कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म अल्लाह ने दिया उस पर अमल करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लाडले बेटे को घर से दूर सहरा में ले गए। अपनी आँखों पर पट्टी बांध कर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई। गर्दन थी कि कितनी, मगर गर्दन थी कि कटी ही ना थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और फिर ताकत लगाकर आप अलैहिस्सलाम ने इस बार छुरी चलाई तो कामयाब हो गई। आप अलैहिस्सलाम जब आँखें खोल कर देखे तो पट्टी निकाली तो क्या देखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत है। वहाँ का एक दुनबा ज़ुबा हो गया, तो इस वजह से जो है ईद उज़्ज़ुहा मनाया जाता है। तोहफ़ों की ईद क्रिसमस, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश खुशी में ईसाई 25 दिसंबर को क्रिसमस की ईद मनाते हैं।
और ईसाई से क्रिसमस डे और क्रिसमस डे और बड़ा दिन भी कहते हैं इसको, क्रिसमस डे और बड़ा दिन भी कहते हैं। ग्रेगोरी तकवीन के मुताबिक 24 दिसंबर की रात से क्रिसमस की इब्तिदा हुई है और 25 दिसंबर को आफ्ताब पर परस्तों का त्यौहार हुआ करता है था। विलादत मसीह की हकीकत तारीख का आलम इल्म ना होने की बिना पर आबाए के सियाने यूसु मसीह को अहद जदीद का सूरज और दुनिया का नूर ख्याल करते हुए इस त्यौहार को योम विलादत तस्लीम कर लिया। क्रिसमस को इशारा क्रिसमस का हिस्सा ख्याल किया जाता है। इस पूरे अरसे में गिरजाघरों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़ियात का जिक्र होता है और क्रिसमस मौके पर मजहबी मजलिसें मुनक़िद होते हैं, खुसूसी इबादतें होते हैं और शजर क्रिसमस की रस्म तोहफ़ का लेन देन सुनाता है। संता क्लाज़ा की आमद और आशाई क्रिसमस काबिल ज़िक्र हैं। इस तरह क्रिसमस के मखसूस नगमे मौसीकी फिल्मी और ड्रामे भी बनाए गए हैं। इस क्रिसमस के मौके पर दरख्तों और खीम से सजाया जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जश्न विलादत के इस मौके पर तमाम गिरजा घरों में इबादत का अहतमाम किया जाता है। रास्ख आल ताख़ीद मसीह भाई रोज़ा भी रहते हैं, उनके साथ साथ दीगर बहुत से रस्में भी होते हैं। मसीह त्योहारों में क्रिसमस की कोई ख़ास मकाम हासिल है। तारीखें बताती है कि इस ईद का आगाज गालिबन 200 ईस्वी से हुआ। 400 ईस्वी से यह त्यौहार सारी दुनिया में आम हो गया। चूँकि दिसंबर 25 यूसु मसीह के ज़हूर की तारीख मानी जाती है और मशरिक में आम तौर पर इसी दिन ईसा मसीह का यौम पैदाइश भी मनाया जाता है। इब्तदाई सालों में मशरिकी ममालिक में बड़े पैमाने पर जश्न मनाए जाते हैं थे। अहद वस्ता से यूरोप में भी क्रिसमस का त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा। 19वीं सदी ईस्वी तक स्कॉटलैंड ने बड़े पैमाने पर ईद मनाने पर पाबंदी लगा रखी थी। बहरहाल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में त्यौहार अलग अलग अंदाज में बड़े अंदाज में पैमाने में बहारों का मेला बैसाखी बैसाखी जो है सूबे पंजाब और हरियाणा में सिखों के का मशहूर और अहम त्यौहार है। इसको बाहर बिहार का मेला भी कहते हैं। बाहर का मेला बिहार मनाते हैं हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी त्यौहार मनाते हैं हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी त्यौहार मनाते हैं मजहबी एतबार से भी बैसाखी त्यौहार जो है बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथा कायम किया था गुरु गोविंद सिंह ने इसी दिन सिखों को पैगाम दिया था कि तमाम सिख चिड़िया से आंखें बन जाएंगे और पंजाब पर छाएंगे। 13 अप्रैल 1649 को दिन था सिंह का दिन था जब गुरु गोविंद सिंह ने सिख फौज की बुनियाद रखी थी। 13 अप्रैल 1649
का दिन था जब गुरु गोविंद सिंह ने सिख फौज की बुनियाद रखी थी। इसी दिन से बैसाखी त्यौहार का आगाज हुआ। इसी दिन से क्या हुआ, बैसाखी त्यौहार का आगाज हुआ। माह अप्रैल के शुरुआत से ही पंजाब और हरियाणा में गंदम की कटाई और का आगाज हो जाता है, यानी बैसाखी त्यौहार का हंगामा शुरू हो जाता है। देहातों में मेले लगाए जाते हैं, फसलें फरोख्त करके तमाम किसान बैसाखी की तैयारी करते हैं। में बेहतरीन फसल होने पर रब का शुक्र अदा करते हुए मनाया जाता है। ये त्यौहार न सिर्फ पंजाब और हरियाणा बल्कि सारे दुनिया हिंदुस्तान में खुशियों की बहार लाते हैं।